फर्जी तमंचा लगाकर युवक को जेल भेजने का अरवल पुलिस पर आरोप। युवक के भाई ने एसपी को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की लगाई गुहार। हरदोई जनपद की शबाईजपुर के अरवल थाना क्षेत्र के श्रीमऊ गांव निवासी एक व्यक्ति ने अरवल पुलिस पर अपने भाई को फर्जी तमंचा लगाकर जेल भेजने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र भेजा है। अरवल थाना क्षेत्र के श्रीमऊ गांव निवासी सुधीर पुत्र रामोतार ने पुलिस अधीक्षक को भेजे गए शिकायती पत्र में बताया कि शनिवार को उसका भाई सुनील 27 मई को लगभग 8 बजे अपने खेत में मूंगफली की फसल की रखवाली करने गया था, जहां पर अरवल पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फर्जी तमंचा लगाकर जेल भेज दिया है, जबकि वह अवैध शस्त्र अपने पास रखता ही नहीं था। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अरवल थाना अध्यक्ष श्यामू कनौजिया ने लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। क्षेत्र की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बने रहिए निखिल दीक्षित के यूपी न्यूज हरपालपुर यूट्यूब चैनल के साथ। खबर को देखने के बाद चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनील भाई था छोटा, मूंगफली देखने गया था, लोगों ने पकड़वा दिया वहां जाके, फर्जी लगा दिया तमंचा मंचा, डंडा तक नहीं था उसके पास। बताओ क्या करें भाई, हम तो बहुत परेशान हम लोग हैं। हरदोई पुलिस निरीक्षक के मतलब प्रार्थना है, मतलब ये हमारे भाई की मतलब जांच करें और मतलब करके देखें कि तमंचा था कि या नहीं था। कभी कभार वो दारू तो पीता था, लेकिन डांटते थे हम लोग बहुत कस के, लेकिन तमंचा मंचा डंडा तक नहीं रखता था तमंचा की, बहुत बड़ी बात है। फर्जी भेज दिया उसको लोगों ने। मामला कुछ नहीं, कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा ना कोई, वो तो अपने आराम से रहता था, वो अपने खेत देखने गया था। अब जो लोग अपोजिट हैं उन्होंने पकड़ा दिया कि उसको तमंचा रखता है, दारू पीता है। दारू तो वो पीता है मगर वो गलत काम नहीं करता, कभी कदार अपनी दारू पीता है और गलत काम नहीं है। वो तमंचा लगवा देते हैं, दारू खाते हैं, दारू पीता है, तमंचा उसको भेजो जेल में भेजो, यही कहते। तमंचा कुछ नहीं, हमारे यहाँ के गांव के अपोजिट आदमी है, नंबरदार लोग, वही उसको भेज देते हैं।